जब कहीं कोई नहीं था आप ही थे, जब कहीं कोई न होगा आप होंगे, शब्द सारे मौन जब हो जाएंगे तब भी शिव शंभु के अनहद जाप होंगे। हैं कलाएं जितनी भी नश्वर धरा पर, हर कला के आप स्वामी हैं कलाधर, आप ही को हैं समर्पित राग सारे, आप ही को भेंट सब आलाप होंगे। जब कहीं कोई नहीं था आप ही थे, जब कहीं कोई न होगा आप होंगे। जब हमने समय को घड़ियों में बंद करना नहीं सीखा था, तब से आज तक काल चक्र जिस आदि योगी के चरणों में नतमस्तक है, उनका नाम है शिव। जो गंगा को जटाओं में बांधकर परम संत हो गए, मानवता को बचाने के लिए विष पीकर नील कंठ हो गए, उनकी कथा सुनाने पे आए तो कहने के लिए वाणी और सुनने के लिए जीवन कम पड़ जाएगा। तो आज मैं क्या सुनाने आया हूं, एक प्रेम कहानी। दुनिया की सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अनोखी प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जिसके तार आकाश गंगाओं से जुड़े हैं, लेकिन आप सुनेंगे तो लगेगा ये आप ही के मन की भावना, आप ही के हृदय की व्यथा है। आज कानों से नहीं करुणा से सुनिएगा, ये शिव और सती की प्रेम कथा है। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर इस शाम की शोभा बढ़ाने आ रहे हैं योग गुरु श्री स्वामी रामदेव। कैसे हैं? नमस्कार। शिव आदि योगी हैं, योगी हैं, योद्धा हैं। वो राष्ट्र जागरण नहीं, युग जागरण के पुरोधा हैं। शिव सनातन हैं, शिव नूतन भी हैं। शिव इंडियन आइडियल ही नहीं, वो वर्ल्ड आइडियल है। और इंडिया के जो उन आइडियल हुनर्स को आपने एक मंच दिया, अपने देश की प्रतिभाओं को निखारने के लिए सोनी टीवी जो पुरुषार्थ कर रहा है उसके लिए अभिनंदन। धन्यवाद स्वामी जी, आपका उच्च स्थान वहां पर है, स्वामी जी के लिए तालियां। अब वो जो उस शहर से आए हैं जहां शिवजी के मंदिरों की संख्या उतनी है जितने आसमान में तारे हैं, शिवजी का नाम सुनते ही जिनका मन प्रेम भाव से पुलकित हो जाता है, इमोशंस की मिसाल चिराग कोतवाल। और शिवजी और सती जी की गाथा की शुरुआत कैसे हुई बताने आ रहे हैं मनोज जी। प्रेम क्या है? ढाई अक्षर का एक शब्द करोड़ों अक्षर मिलकर भी जिसका भेद खोल नहीं पाते। कभी कोई अनपढ़ कबीरा
प्रेम का मर्म यूं ही जान लेता है और कभी बड़े बड़े ज्ञानी इसे तर्क के तराजू में तोल नहीं पाते। प्रेम वो है जिसे काल की ज्वाला जला नहीं सकती, भय की भट्टी गला नहीं सकती। प्रेम वो है जो सांसों के साथ टूटता नहीं और प्राणों के साथ छूटता नहीं। प्रेम इतना कोमल है कि फूल अपनी पंखुड़ियों पे इतराना छोड़ दे और इतना कठोर कि चट्टानों का घमंड तोड़ दे। कुछ ऐसा ही प्रेम सती को शिव से हो गया था। सती कौन? सूरज में ऐसी ज्योत कहां जो आभा उसके अंदर थी, कविताएं भी कह न सके वो इतनी ज्यादा सुंदर थी। और शिव कौन? जटाओं में भगीरथी का है प्रवाह अनवरत, गले में लंबे लंबे सर्प शोभते हैं हार से, डमट 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 डमरू नाद गूंजता के नृत्य तांडवी बहे है शिव के तार तार से। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेरी सा वो छाया। कौन है वो, कौन है वो, छाओं में तेजी सा वो छाया। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। शंकरा भोलेनाथ शंकरा, हे त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव है महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे अना रहे, रहेगी तेरी आस था। देव है जिया भोलेनाथ शंकरा, मांगा कुछ कभी नहीं भोलेनाथ शंकरा, तूने सिर्फ है दिया भोलेनाथ शंकरा। समुद्र मंथन का था समय जो पड़ा, भोलेनाथ शंकरा, द्वंद दान लोक में विषामृत पे था छिड़ा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, हे त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव है महेश्वरा, रुद्रदेव है महेश्वरा, रुद्रदेव है महेश्वरा। Shankara
अच्छे चिराग। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब तो सोनी टीम ने घर घर महादेव करा दिया इस शिवरात्रि। और भोलेनाथ शंकर, मेरे से किसी ने बोला ये चिराग जो है कुछ बुझा बुझा सा रहता है ये। जी सर। बुझने पर इतना गाता है तो उगने पर कितना गाता। ये मुझे लगता है जैसे समुद्र होता है ना, भीतर से शांत होता है, जब उसमें सुनामियाँ उठती है ना, तो ऐसे ही आज शिव की कृपा चिराग पर भी हुई है। और इंडियन आइडल के माध्यम से पूरा देश ही नहीं पूरा ब्रह्मांड शिव की आराधना में ऐसे मग्न हो गया, खो गया है जैसे कि पूरा विश्व ही आज शिव वंदना कर रहा हो। इतना सुंदर माहौल इंडियन आइडल ने बनाया, बहुत बहुत अभिनंदन। बाबा रामदेव जी ने कहा है कि चिराग को थोड़ा सा ऊर्जा की जरूरत है। तो मैं सोच रहा था जब भी बाबा जी आते हैं शो पे, बाबा जी माफ करना, हम लोग मस्ती वस्ती जारी रखेंगे। सर एक रिक्वेस्ट था आपसे, आप कुछ सिखा दीजिए चिराग को थोड़ा सा। इसको सिर्फ एक आसन आता है, वो घुटने टेकने का आसन आता है, और कुछ नहीं आता। घुटना टेक आसन। तो इसको ब्रह्मांड हिलाना मैं सिखा देता हूँ। ये बात है। स्वामी जी स्टेज पर आ गए हैं। स्वामी जी के पास हर प्रश्न का उत्तर है, हर योग का इलाज है। संगीत जी, नृत्य और शिव जी स्वामी, ये हमारे जीवन में उत्सव भरते हैं, हमारे नीरस जीवन में सरसता भरते हैं। और अब तो मुस्कुराने लगा। डर और मुस्कुराहट एक साथ पैदा होते हैं। बहुत चिराग। अरे कुछ नहीं चिराग, चिराग। अरे आके पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे जंगल 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 जंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता धरती में करते हैं तारे जंगल जंगल। अब आ रही है जो हर सोमवार मंदिर जाकर शिव जी के दर्शन करती, विदिप्ता चक्रवर्ती। आज तो हमारी विदिप्ता और भी सुंदर लग रही है। आई थिंक पहली बार विदिप्ता आपने साड़ी पहनी है। यस भैया, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और हमारी मम्मी ने हमें बोला था कि 16 सोमवार की व्रत करने से अच्छा वर मिलता है, तो इसलिए हम हर साल को सावन के महीने में शिवजी के लिए 16 सोमवार का व्रत रखते हैं। वैसे ऋषि, आज हमारी विदिप्ता कैसी लग रही हैं? बिल्कुल पार्वती जी जैसी लग रही हैं, बिल्कुल। हाय हाय, क्या बात है। लेकिन बेटा पार्वती को पाने के लिए शिव बनना पड़ता है, अपना मुंह देख ले शीशे में। सती जी को शिव जी से कैसे प्रेम हुआ ये बताने आ रहे हैं मनोज जी। क्या बात। मन वो पहेली है जिसे आज तक कोई बूझ नहीं पाया। जो अपने जैसा हो मन कभी उससे लगन नहीं लगाता है, जो एकदम अलग हो जाके उसी से जुड़ जाता है।
प्यार होता है सफेद और काले के बीच, अंधेरे और उजाले के बीच, दिन को रात से, सूरज को चांद से, पानी को पत्थर से, नदिया को कंकर से, प्यार हो गया महलों वाली सती को मरघट वाले शंकर से। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा प्यार कि नेह की धारा किनारे तोड़ के बहने लगी। सती के मन मंदिर में एक बार शिव विराजे तो किसी और प्रतिमा के लिए स्थान न रहा। मन ही मन सती ने कह दिया अपने शिव से, मेरा प्रेम अनछुआ है, मेरी प्रीत है कुंवारी, किसी और को न दूंगी वो जगह जो है तुम्हारी।
थैंक यू सो मच। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, बस अंत में इतना और कह देना, सब में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। विदीप्ता, मुझे तो आप में एक बहुत बड़ी हीरोइन भी दिखती है। क्या एक बात बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी दिखती है। अब आ रही है वो जो सिंगिंग करे या कुकिंग, साइकिलिंग करे या टिकट बुकिंग, जिंदगी कितनी भी व्यस्त है पर ये और इनका परिवार शिवजी की आराधना में मस्त है। तभी जिनकी सिंगिंग और जीवन में है इतनी मिठास, सर्व गुण संपन्न शेजूती दास। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। शेजूती गाए उससे पहले प्रेम होने के बाद सती जी को किन बाधाओं से गुजरना पड़ा ये बताने आ रहे हैं मनोज जी। जिस प्रेम का विरोध ना हो वो कभी अमर प्रेम नहीं बन पाता। शिव सती के प्यार को अमर होना था, शायद इसीलिए भावनाओं की शीतल हवाओं से बाधाओं के पर्वत अटकराए। सती के पिता राजा दक्ष, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जिसे जन्म दिया अपने हाथों से उसके प्राण ले लूंगा, पर अपनी बेटी एक बंजारे को नहीं दूंगा। तुझे शिव को भूलना ही होगा सती। सती ने तड़प के कहा, कैसे भूलूं, किस तरह भूलूं, तुम तो वैसे कह रहे हो जैसे मेरे बस में है, मैं उसे कैसे भुला दूं जो मेरी नस नस में है। दक्ष ने याद दिलाया, कहां ये महलों के भोग विलास, कहां वो बर्फ से ढका हुआ कैलाश, कहां अनगिनत दासियां और दास, और कहां वैभव से वैराग, सुखों से सन्यास, मैं अपनी ही बेटी को ये यातना भरा जीवन कैसे दे दूं। सती ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, मैं नाम जपूं मेरे प्रियतम का, इतना अधिकार मुझे दे दो, सब धन माटी है मेरे लिए, बाबा मेरा प्यार मुझे दे दो। Yeah।
क्या बात है, माने सबने तालियां तो बजाई हैं, लेकिन संजुति के लिए ये तालियां भी थोड़ी पड़ जाती है, क्योंकि जिस गुणातीत भक्ति में, ये शिव पार्वती के प्रेम के लिए मैं कह रहा, हम महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती के प्रेम की गाथा जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो प्रेम सच में गुणातीत था, भावातीत था, देहातीत था, फिर भी जो तुमने गाया है संजुति वो अप्रतिम है। मैं निशब्द सा हो गया, बहुत सुंदर। थैंक यू। अब वो जिन्होंने शिव जी को हमेशा माना लेकिन कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, इसीलिए शिव जी ने उन्हें दो वरदान दिए, एक तो ये कि सारा संसार इनको देखेगा और दूसरा ये कि ये सारा संसार अपने माता पिता को दिखाएंगे। और तभी जो भर देती है अपने पिता का सीना विद प्राइड एंड जॉय, देवोस्मिता रॉय। ये आप प्रसाद हमारे लिए लाई? हाँ, सबके लिए लाई हूँ मैं। ये कहाँ का प्रसाद है देवोस्मिता? ये बाबुलनाथ मंदिर का प्रसाद है। अरे क्या बात है। आज हम बाबुलनाथ मंदिर आए हैं क्योंकि आज शिवरात्रि है। जय हो शंकरा। और इतनी सारी सीढ़ी है, बाप रे बाप कितना है और कितना ऊंचा में है मंदिर। और मेरा बहुत अच्छा लग रही है क्योंकि पापा का बहुत दिन से इच्छा था कि पापा बाबुलनाथ मंदिर दर्शन करेंगे। बाबुलनाथ मंदिर में आया था, बहुत अच्छा लगा, ये मेरा सपना है, आज मेरा सपना पूरा हुआ। और उधर जाने के बाद मेरे को इतना लोग पहचान लिया, बहुत अच्छा लगा, मेरे से ज्यादा तो बाबा को पहचान लिया। देवू को वजह से लोग हमें पहचानता है, सेल्फी तुलते हैं और बात करने है, मैं ऐसा लगता है मैं स्टार बन गया है, बहुत खुश है। देवोस्मिता थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू कि आप ये जो प्रसाद है हम सबके लिए लाई। शिव जी और सती जी के जीवन में आगे क्या हुआ बताने आ रहे हैं मनोज जी। सूरज सितारों के रोके और प्यार दीवारों के रोके कभी रुका है? सती ने छोड़ दिए अपने महल दुमहले और जा पहुंची अपने शिव के पास, जीत लिया उन्होंने शिव को अपने प्रेम और भक्ति भाव से। शिव जो एक तपस्वी की तरह एकांतवास कर रहे थे, उनके जीवन में अचानक मधुमास आ गया। विषपान करने वाले महादेव ने पहली बार प्रेम का अमृत पान किया। दिन महीने गुजरते रहे, शिव और सती प्रेम के समुद्र में डूबते उभरते रहे। एक दिन सती क्या देखती हैं? शिव अनगिनत फूल लिए द्वार पर खड़े हैं। कौन कौन से फूल? कचनार, चमेली, नील कमल, बेला, चंपा और चौरंगा, वनफूल, मालती, सूर्यमुखी, गेंदा, गुड़हल और नवरंगा, नरगिस, नलिनी, रजनी, गंधा, लाला, जूही और मौल सिरी, जल तरंग, कुमुदनी, छुई मुई, मोतिया, मोगरा और चंद्रगिरी। आकाश के नीले मुखड़े पर चिंता के भाव उभर आए, मेरे पास कहां इतने तारे, शिव जितने फूल उठा लाए। शिव ने अपने हाथों सती का श्रृंगार किया और सती ये सोच के मुस्कराती रही, तुम ही मेरे सपनों का सूर्योदय, तुम ही मेरे चंद्रमा, तुम ही मेरी रात हो, मुझे क्या चाहिए मेरे प्रियतम अगर तुम साथ हो। क्या बात है। रामेश्वरम का मंदिर इस बात का प्रमाण है और प्रतीक है कि प्रभु श्री राम शिव जी के कितने बड़े भक्त थे। और हम सब जानते हैं कि आगामी सिंगर प्रभु श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं। एक अति टैलेंटेड लड़का जिसकी भक्ति ऐसे परम आत्माओं से जुड़ी हो, उसे कौन रोक सकता है फ्रॉम बीइंग
द नेक्स्ट बिग थिंग, देश का दुलारा ऋषि सिंह। पर ऋषि की परफॉर्मेंस से पहले शिव जी और सती जी के पहले मिलन की कहानी बताने मुस्कुराते हुए आ रहे हैं मनोज जी। एकांतवासी आदि योगी निर्गुण निराकार शिव को उनका प्रेम मिल गया। पूरी सृष्टि खुशी से झूम उठी, डाल डाल लचक रही थी, फूल फूल गा रहा था, सारा ब्रह्मांड शिव और सती के महामिलन का उत्सव मना रहा था। को जरा देखे हवा बन जाऊं मैं अगन। चिंगारियां ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा बन जाऊं। शरार देख मेरा बदन, सब कुछ मेरा करके फना करता हूँ मैं हवन। ओम देवा देवा ओम देवा देवा नमः, नमो नमः। ओम देवा देवा ओम देवा देवा नमः, नमो नमः। महसूस खुद को जब तूने छुआ। ओ देवा देवा ओ देवा देवा नमः, नमो नमः। ओ देवा देवा ओ देवा देवा नमः, नमो नमः। ओ देवा देवा ओ देवा देवा नमः, झोंका। मैं आग हूँ तू रागदारी है मेरी, मैं राग हूँ मैं जी रहा हूँ तेरे इंतजार में। आवाज दे तेरी सराय, ढूंढ रहा था मेरा बन जा रबन। सब कुछ मेरा करके फना नहीं। इस लड़के ने बहुत अच्छा गाया है, जोरदार तालियां बजाओ इसके। आप सब लोग इतना अच्छा गाते हो, सब बच्चे तो सभी स्मार्ट हैं, एक थोड़ी सी मुटिया है उधर भी एक थोड़ा सा मोटा है। मोटा नहीं। अरे सर क्या बोल रहे हो सर, ये अगर शर्ट उतार देगा ना सर, आप देखिए। अच्छा वो ठीक है ठीक है।
दिखाई दे क्या दिखाना चाह रहे हो? हड्डियां आ गई हैं सर। अरे तेरी ये गठिया हो रखी है, घटिया हो रखी है। दिखाना हो तो ऐसे दिखा। ओ, ओ, ओ। क्या बात है। तुम मेरे साथ 2 मिनट्स योगा, इंस्टेंट योगा करो। अब तुम लोग मेरे पीछे पीछे चलना। जी। ऐसे नहीं। चलना है बोला। अरे बाप। मैं तो उल्टा चल रहा था, तुम सीधे भी नहीं चले। तब ऐसे ऐसे हो जाओ। ये क्या था? ये क्या? अरे अरे चलो चलो चलो। जोरदार तालियां स्वामी जी के लिए। सबने बहुत अच्छा किया। थैंक यू स्वामी जी। अब वो जो कन्याओं से शर्माते हैं, सांसारिक बातें करो तो दूर चले जाते हैं, शिव की भक्ति में जो मन लगाते हैं और बाबा रामदेव से प्रेरित होकर अपनी दाढ़ी बढ़ाते हैं। इस कलयुग में ऐसे बच्चे के लिए हो जाए जोरदार ताली। नवदीप वडाली। इस प्रेम कहानी में आगे क्या हुआ ये बताने आ रहे हैं मनोज जी। एक दिन सती को सूचना मिली कि उनके पिता राजा दक्ष बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, ऋषि मुनि सबको बुलाया गया है, बस शिव और सती को नहीं बुलाया। सती ने सोचा पिता हैं, रूठे हुए हैं, जाके मना लेती हूं, आखिर मैं हूं तो उनके कलेजे का टुकड़ा ही, कब तक मुझसे रूठे रहेंगे। सती आ गई दक्ष के महल बिना बुलाए। दक्ष ने उनको देखा तो बेटी का स्वागत बाहें खोल कर नहीं, गले लगा कर नहीं, तानों के तीर चलाकर किया। क्या हुआ, उस बंजारे ने तुझे छोड़ दिया या कैलाश के कष्टों से घबरा के तू स्वयं पिता के महलों में वापस आ गई? अब पता चला वो कोई महायोगी नहीं, सिर्फ एक भिक्षु है, डमरू बजाने वाला एक मदारी। सती से शिव का तिरस्कार सहन नहीं हुआ, उनकी आत्मा रो पड़ी। वेदना इतनी बढ़ी कि जीवन ही व्यर्थ लगने लगा। सामने यज्ञ का हवन कुंड था, उसमें दहकती हुई अग्नि थी। सती ने शिव को स्मरण किया और कूद पड़ी धधकती हुई ज्वाला में। शिव का प्रेम स्वाहा हो गया, उनकी शक्ति चली गई, अर्ध नारीश्वर सचमुच अधूरे हो गए। ये अधूरापन उस विष से ज्यादा भयावह था जो शिव ने अपने गले में रोक रखा था। विरह वेदना से विक्षिप्त हो गए शिव, उठा लिया सती का शव अपने हाथों पर और बन गए भोलेनाथ से महारुद्र। चटक गए हिमालय के पाषाण, पिघल गई हिमालय के बर्फ, तीनों लोग सूखे पत्ते की तरह थर्रा उठे। आज शिव नहीं साक्षात ओंकार प्रलय तांडव कर रहा था।
लड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओंकारा रे ओंकारा, दम दम दड़म लड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओंकारा रे ओंकारा। आंखें तेज तकैया दो तू जीप सांप का फनकारा, ओंकारा रे ओंकारा, रे बिजली सा कांधे सर पे जिसकी त्रिशूल का झनकारा, ओंकारा रे ओंकारा, ओंकारा रे ओंकारा। आज मेरा प्रेम मुझसे छिन गया, आज तो ज्वालामुखी है क्रोध मेरा, मरघटों का देवता हूँ शिव हूँ मैं, आज देखेगा जगत प्रतिशोध मेरा। प्रार्थना करना कि जब तक सृष्टि है टूट के कोई न रोए प्यार में, रक्त टपका यदि प्रणय की आंख से तो प्रलय होगी सकल संसार में। बोलता हूँ तीसरा मैं नेत्र अपना, मृत्यु तांडव होगा अब सर्वस्व पर, कंठ में जो रोक रखा है युगों से विष उगल दूंगा वो पूरे विश्व पर, तोड़ दूंगा तारिकाएं मैं गगन की और धरा का घूमना भी रोक दूंगा, जिस अगन में जल गई तुम आज प्रियतम, मैं उसी अग्नि में ये जग झोंक दूंगा। शूल के जैसे तीन तीन बल पड़ते हैं, कान पे चूमेंगे भैया तो राण बजा चल पड़ते हैं, हाथी पर त्रिशूल के जैसे तीन तीन बल पड़ते हैं, कान पे चूमेंगे भैया तो राण बजा चल पड़ते हैं, गली गली में कई बार तो हमको ये लग रहा था कि शायद अभी थोड़ी देर में सृष्टि में कहीं प्रलय ना हो जाए, माने क्या बात, ऐसा ऐसे एक वातावरण ऐसा सृजित हो गया। और नवीन तुम में शौर्य तो पूरा है भैया। थैंक यू, थैंक यू नवदीप। अब वो जिनके नाम में शिव है, जिनके काम में शिव है, जिनके चार धाम में शिव है और जीवन के परिणाम में शिव है, जिन्हें शायद शिव जी ने ही कहा है बेटा शिवम सिंह, शिवम सिंह। जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा। शिव जी के बहुत क्रोधित होने के पश्चात आगे उन्होंने क्या किया ये बताने आ रहे हैं मनोज जी। प्रेम से बिछोड़ा ये ऐसा दर्द है जिसने मनुष्य तो क्या देवताओं को भी नहीं छोड़ा। शिव जिस पीड़ा से गुजर रहे थे उसका अंदाजा या तो वो मधुबन लगा सकता था जो भरी बहार में उजड़ गया हो, या वो आकाश जिसका चांद हमेशा के लिए बिछड़ गया हो। शिव की पीड़ा वो सूर्य समझ सकता था जिसकी किरण खो गई हो, या फिर वो धरा जो अपना संतुलन खो के बावली हो गई हो। चांद सूरज तड़प उठे, नदी सागर तड़प उठे, गगन के मेघ तड़प उठे, मरुथल की मिट्टी तड़प उठी, शिव की तड़प में सारी सृष्टि तड़प उठी। सती को खोकर शिव का मोह भंग हो गया, वो कैलाश लौटे और महासमाधि में चले गए। लेकिन उस दिन दक्ष के हवन कुंड में
वहां सिर्फ सती का शरीर जला था, उनका प्रेम नहीं। शिव को एक मौन संदेशा भेजा था सती ने, मैं छोड़ रही हूं प्राण पिया, जाती हूं तेरी कसम लेकर, इस बार तो प्यार अधूरा रहा, लौटूंगी अगला जन्म लेकर। वाह, 107 बार सती ने जन्म लिया शिव तक पहुंचने के लिए, उनकी महासमाधि को तोड़ने के लिए। 107 जन्मों तक उनका प्रेम शिव की प्रतीक्षा करता रहा। 108वें जन्म में सती पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती बनकर जन्मी और हमेशा हमेशा के लिए अपने शिव की हो गई। वाह वाह वाह। आज बड़ा शुभ दिन है, शिव जी की बारात निकलने वाली है पार्वती को ब्याहने के लिए। बाराती कौन कौन है जानते हैं? देवी देवता, यक्ष, किन्नर, सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, डाकिनी, शापिनी, राक्षस, बेताल, घोड़े, हाथी। अरे आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बोलिए बम बम भोले और बन जाइए शिव के बाराती। इंडियन आइडियल ने जो महाशिवरात्रि का जो उत्सव मनाया है, इस बार के एपिसोड ने तो एकदम पूरा कमाल धमाल, क्या बोले, एक कीर्तिमान बना दिया।
और जो कुछ बच्चों ने गाया है ना, वाह, वो तो धरोहर हो गई है संगीत की। क्या जोरदार, अभिनंदन। शिवजी को मैं 8 और नामों से भी जानता हूं, महादेव, शंकर, शंभु, रुद्र, महेश, भोला, त्रिलोचन और नीलकंठ। इसीलिए आज के इस ऐतिहासिक प्रसंग का अंत हम अपने भविष्य के 8 सिंगर्स के साथ करना चाहेंगे, पर उससे पहले अब आगे क्या हुआ ये बताएंगे मनोज जी। शिव और पार्वती मिलके हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। प्रेम ने अपना शिखर छू लिया और इसी प्रेम से जन्मे सुख करता दुख हरता एक दंत दयावंत वक्रतुंड महाकाय प्रथम पूज्य श्री गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता। बोलो गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। शिव और पार्वती के पूरे प्रसंग को निशब्द रह करके और रेत की लकीरों से जिन्होंने सब कुछ कह दिया, वाह, ऐसे नीतीश के लिए जोरदार अभिनंदन।
Thank you so much. Thank you, Nitish. We love you. Thank you so much. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.